कश्मीर में तुम्हें बहुत सारी बातें बोलनी है, मेरे साथ रिपीट कर, दब चुस ठीक, मेरे साथ बोलो कुछ पुछ नहीं, भागो यहाँ से, भागो अब यार। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। एंड नए ब्लॉग शुरुआत हो चुकी है, आज मैं सेम लोकेशन से ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है। अपने को ना ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई मेरा घर में ही ब्लॉग स्टार्टिंग कर, उसके बाद हम राइड पे चलते हैं। एंड मैं आपको पहले अपडेट देता हूँ कि भाई क्या सीन होना है, मुझे कहाँ जाना है, क्या प्रोग्राम है। तो मैं आपको बताऊं, आज है स्पेशल संडे, एंड संडे को आप सबको बताया सभी बाइकर्स जो है ना रोडों पे होते हैं, उसके बाद राइड साथ में होता है। तो कल ना मैंने आप सबको बोला था कि आपकी तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को लग रहा है कि ना मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मुझे जाना चाहिए राइड पे, एंड मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने ना आप सबसे प्रॉमिस किया है कि भाई मैं ना रेगुलर ब्लॉग्स चालूंगा, दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था, एक दो वीडियो डाले थे, एंड उसके बाद ना चैनल का रीच फिर से डाउन हो गया। मैं चाहता हूँ ना अब मैं रेगुलर ब्लॉग्स चाल, सपोर्ट आप भी करो, वीडियोज को ना शेयर किया करो, ताकि हमारी चैनल जो है ना थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए। उसके बाद तो हमें जाना है एक अच्छे से राइड, सबके साथ पहले ही शेयर की भाई मैं एक रोड ट्रिप पे निकलने वाला हूँ, एंड वो बहुत ज्यादा लंबा सफर रहने। फिलहाल तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आपके भाई ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, ये चीज़ अब चेक कर लो, यहाँ पे मुर्गा पड़ा है, देख रहे हो ना। वो सुबह ना आपके भाई ने मुर्गा फ्राई किया, एंड चाय वगैरह जो है ना वो भी मैंने बना ली। तो किचन की हालत ना थोड़ी सी खराब है, देखो भाई गैस की हालत, भाई लड़कों की जिंदगी ना ऐसी होती है यार। तो चाय मैंने बनाई, मैंने अभी बर्तन धोया नहीं, एक्स्ट्रा चाय थी, मुझे लगा था मैं फिर से चाय पीऊंगा, बट अभी राइड पे जाना पड़ा, नहीं पी पाऊंगा, ठीक है। एंड मुर्गा मैंने बनाया था खाने के लिए, वो इसमें है, ठीक है, तरी वाला मुर्गा इसमें है। बाकी मैंने फ्राई किया था, मुझे लगा चाय के साथ सारा खा पाऊंगा, बट आपके भाई ने ना दो पीस खा ली, बाकी सारा मुर्गा ना यहीं पर। एंड मुझे पता ये मुर्गा जो है ना पक्का खराब होने वाला है, तो चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज्यादा खा नहीं पाता, अपना फटाफट निकलते हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, बस मुझे अपना बैग पहनना है। आपका भाई ना निकल चुका है, फिलहाल ना गेट बंद करते हैं। आज मैंने सुबह सुबह बाइक को बाहर किया था, बिकॉज यहाँ पे ना सफाई चल रही थी, एंड मैंने सोचा यार बाइक को बाहर रखते हैं ना, उसके बाद ये अच्छे से सफाई करेंगे। एंड बाइक जो है ना बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, डायरेक्ट धूप बाइक पे पड़ रही है। फिलहाल बाइक को कोल स्टार्ट करते हैं, भाई अपनी बाइक हो रही है कोल स्टार्ट, पेट्रोल थोड़ा बहुत कम है, आज फिर से ना फुल टैंक करना पड़ेगा। यार फुल टैंक किया, उसके बाद मैंने ना बाइक पे दो ही ब्लॉक्स बनाए। बाइक की हालत चेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा खराब है, कल आपने देखा हमने कितना भयंकर ऑफ रोड किया था, उसके कारण ना बाइक की हालत थोड़ी बहुत खराब हो गई यार। ये देखो भाई कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। आज अगर टाइम मिला ना आज हम बाइक की वॉशिंग भी करेंगे। गाइस आज ना मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, बिना आपके भाई ने राइडिंग जैकेट लगा लिया यार। एक उसूल है, जब भी मैं राइड पे जाता हूँ ना हमेशा मैं राइडिंग ग्लोव्स पहन के जाता हूँ। अगर मुझे मार्केट तक भी जाना होता है ना, मतलब एक किलोमीटर कवर करना होगा, मैं अपनी हेलमेट जरूर पहनता हूँ, भाई हेलमेट पहन के मैं निकलता हूँ। तो अगर आप लोग भी राइड करते हो ना हमेशा विदाउट सेफ्टी ग्लोव्स राइड करो, उसके बाद राइडिंग को ना एंजॉय करो। दो दिन के बाद हम एक अच्छे सफर पे निकलने वाले, जहाँ हमें जाना है ना वहाँ पे हमें बर्फ देखने को मिलेगा। इस अभी जाके ना हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और एक Z900 आ चुकी है, देखो भाई कलरफुल, जो कि अपने साथ कल भी थी, अपने साथ थी, इस पे भी राइड हुआ था कल। फिलहाल बाइक्स को रिफिल करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाइक में कितना पेट्रोल है। ये देखो भाई, भाई एक ही बार है, मतलब इसमें ना दो तीन बार होने चाहिए, क्योंकि आज संडे राइड पे जाना है, कितना दूर जाना होगा, कभी कभी ना 300-400 किलोमीटर हम लोग कवर कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना बाइक में हम थोड़ा सा पेट्रोल डालें, एंड अपने पास कैश है 500, ठीक है, तो 500 में ना और पेट्रोल डालेंगे हम अपनी बाइक में। अपनी बाइक सो चुकी है रिफिल, देखो भाई तीन बार जिंदा आ गया आएगा भाई। तो मुझे तो टेंशन होती है जब मेरी बाइक पे पेट्रोल नहीं होता ना, अपने को बहुत ज्यादा टेंशन होती है भाई, मुझे अपनी बाइक को रिफिल करना है, इसमें राशन डाल दिया, आफ्टर दैट अपने को राइड पे निकलना है। आपको अभी बताऊं यार, आपका भाई ना पसीना पसीना हो रहा है, अभी जस्ट मैं निकला हूँ यार, सोचो दिन में कितनी ज्यादा बुरी हालत होगी। ऊपर से आपका भाई है बीमार, और बीमार होकर ना आपका भाई व्लॉग बनाने जा रहा है, फिर भी आप लोग कम सपोर्ट करते हो, सपोर्ट दिखाओ यार बहुत ज्यादा, ताकि हम भी ना यार जल्दी से 50K कंप्लीट करें। ख्याल से हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई फूल ही फूल है यहाँ से यार, हमेशा ना आपका भाई फूलों के नीचे रुकता है, यहाँ पे हमें ब्रेक देनी पड़ेगी, बाकी बाइक को जो ना यहाँ पे हमें ज्वाइन करने वाला है। एंड हमेशा ना यार इन फूलों के नीचे आपका भाई यहाँ पे वेट करता है दोस्तों का। ऑलराइट गाइस चेक कर लो यार, हलक भी आ चुकी है यहाँ पे, दन्नो भी है, एंड यहाँ पे अपनी एंजिला 900 Z900 एंड SX1000, ठीक है, वहाँ से रॉयल एनफील्ड लगा, साथ अपने साथ होगी। आगे आगे ना मेरे ख्याल से हमें और सुपर बाइक्स जो है ना वो ज्वाइन करने वाली है, तो आज का राइड जो है ना वो भी स्पेशल रहने वाला। सबको बताइए यार, आज स्पेशल संडे, एंड स्पेशल संडे पे ना राइड भी स्पेशल होता है। लेट्स गो, चलो भाई साहब आज का राइड जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। इस बाइक में चेक करो भाई, टायर जो है ना कितना ब्रॉड लगा, अब यहाँ पे लीन चेक कर, तीन सुपर बाइक्स एक साथ लीन करने वाली है। ये देखो भाई, ये देखो लीन चेक कर रहे हो, क्या बवाल लीन हो रहा है यार, ये देखो, ओ हो हो हो, भयंकर आवाजें आ रही थी
वाली टनल में यार, क्या बात है, खतरनाक सीन यार। अगर बात करते ना आप लोग को कुछ सुनाई नहीं देता कसम से, इतनी ज्यादा साउंड आ रही थी टनल में। ये टनल जो है ना पूरी कवर्ड होती है और वहाँ पे ना साउंड गूंजती है यार बहुत ज्यादा। तो बिना लीन की गेम स्टार्ट हो गया, सभी बंदे ने लीन मारने के साथ मस्त है यार। चार चार सुपर बाइक साइड, चारों सुपर बाइक जो है एक साथ लेट रही है। अब उसे आ गया एंड उसमें दो एग्जॉस्ट लगे, जो SX1000 है उसमें दो एग्जॉस्ट लगे एंड Z900 में एक लगा और अपनी अंजिला में एक लगा। कम से कम दो चार छः एग्जॉस्ट लगे चार बाइक्स में एंड खतरनाक सीन हो रहा है यार। ये देखो भाई, यहाँ से कहाँ जाना है हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई। मैं तो इस लोकेशन पे पहली बार आ रहा हूँ यार, इस एरिया में आपका भाई पहली बार घुस रहा है। गाइस एंगल जो है ना कैमरा का वो चेंज हो चुका है, लोकेशन पे जा रहा है, मुझे पता नहीं यार, दोस्तों ने बोला चलो जाते हैं एंड वहाँ जाके ना मुझे पता चल ही जाएगा कि भाई हम कहाँ। तो फिलहाल ना बाइक जो है ना वो बंद रखी है मैंने एंड हम ना न्यूट्रल भी बाइक को चला रहे हैं, बिकॉज पेट्रोल जो है ना मुझे लगा खत्म होने वाला है। कम से कम 200-300 का पेट्रोल तो बच ही जाएगा। जजर कोटली कुछ भी नाम है, मां किस्म बोलना भी नहीं आ रहा है। नीचे ना दरिया है। हाँ ठीक, उससे ज्यादा हमारी कल्लू में पानी होता है। कल्लू में पानी होता है उससे ज्यादा। क्या बात है ब्रो। ऑलराइट गाइस, चारों बाइक्स जो है लाइन में लग चुकी है। ये देखो भाई, यहाँ पे अपनी अंजिला है Z900 एंड यहाँ पे वूजा है, यहाँ पे SX1000 निंजा SX1000 जिसका नाम हल्क है एंड यहाँ पे और एक Z900 जो कि फुली मॉडिफाइड है। तो अभी ना हम सभी बाइक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, आवाज सुनाऊंगा हर एक बाइक की, ठीक है। आप देखना यार, मुझे कमेंट्स करके बताना किसकी बाइक जो है ना सबसे ज्यादा लाउड है। देखो भाई, ये देखो भाई, देख रहे हो भाई क्या बात है भाई। बस 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 बस, देखिए 1000 को स्टार्ट करते हैं, इसकी आवाज सुनाते हैं कि आवाज इसमें ना डबल डबल एरो लगे हैं, एरो के एग्जॉस्ट डबल लगे हैं भाई। ओ, 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 ये लाउड है यार, उससे ज्यादा लाउड है यार ये वाली। अभी ना ऐसी प्रोजेक्ट लगे, ये देखो भाई, यहाँ से एक ऐसी प्रोजेक्ट है एंड यहाँ से और एक ऐसी प्रोजेक्ट है। स्टार्ट कर। ये देखो भाई, बूजा भी स्टार्ट हो चुकी है, हार्ड साउंड चेक करना भाई इस बाइक की। ओहो, ये भी बहुत ज्यादा लाउड है यार। साइलेंट साइलेंट हो जाओ। ये देखो भाई, ओहो यार बहुत लाउड है यार अपनी अंजिला। देखो भाई, दर्द हो रहा है सभी के कान में। सो गाइस, अभी ना चारों बाइक्स को हम एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं एंड चारों में ना एग्जॉस्ट लगे यार। एक साथ करते हैं। चलो भाई, बस करो यार, तो भागो यहाँ से, भागो अब यार। भाई जम्मू तक आवाज पहुंची होगी कसम से। मेरा कुछ एरर आ गया था एंड वो एरर जो है ना हमने कावासाकी में आके ठीक कर दिया। वो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, कल हमने ऑफ रोड किया था इस बाइक पे, भयंकर ऑफ रोड किया था, उसके कारण ना इस बाइक में एरर आ गया था। अलियान व्लॉग्स, सालियान व्लॉग्स को आज हम कश्मीरी सिखाने वाले हैं, ठीक है। कश्मीरी में तुम्हें बहुत सारी बातें बोलनी है, मेरे साथ रिपीट करना है, मैं इसको हमें कश्मीरी सिखानी है। दब बुछुस ठीक, मेरे साथ बोला कुछ बुचू नहीं, मैं ठीक हूँ, मतलब इसको कश्मीरी बोलते हैं बुछुस ठीक। नियर रोमिंग, नियर रो यार इंग्लिश कर रहा है, कश्मीरी को इंग्लिश में फिक्स कर रहा है। इस नियर रोविन मतलब हमें यहाँ से निकलना है। इस नियर रोविन, फिर से इस नियर रोविन, ओश नियर रोविन, वनी क्या कश्मीरी बोल रहा है भाई। तीनों बाइक्स जो है लाइन में, अभी ना हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। ओ ओ शिट, ओए 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 ओए, छोटू छोटू आराम से क्या हो गया छोटू, आराम से यार। शिट तो नहीं कर को मुझे हो। तू तेज से रहा था, आराम से देखना होता ना पहले, वहां से बाइक मत आ रही है, गाड़ी मत आ रही है यार। ओ यार ये बाहर आ गया यार, देख ले। चल कोई बात नहीं, भाई आगे क्यों आया तू? भाई आगे क्यों खड़ी हुई है यार, इसको पता नहीं लग रहा है। एक तो मैं इस भाई यार ऊपर से आके चले गया, मैं बात नहीं, चैन उतर गई, चैन चढ़ा ले, इसे टायर टेढ़ा हो गया यार, ये निकल गया यहाँ से यार। ये देखो, ये ऐसे सांप बन गया,
चेन में सारा कुछ नीचे आ गया यार। तुम ऐसे आ रहे हो जैसे पीछे से छोड़ बच्चा उठा। साइकिल उठ गई उसकी यार सारी। नहीं बाइक ठीक है यार, साइकिल की वॉट लग गई। बाइक का कोई सीन नहीं है, उसको लग जाती इधर बचने वाला था सर उसका। वो भाई उसको सर इधर बचने उसका सर उधर बचने वाला था। बाइक की टेंशन नहीं है। बच गया बच गया बच गया यार।